जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले से पूरा देश दहल सा गया है। हमले के बाद लोगों की प्रतिक्रियाओं और संवेदना का दौर जारी है। तो वहीं इसी आतंकी हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आतंकवादियों की मंशा इस देश को बांटने की है, तोड़ने की है, लेकिन इस देश को कोई बांट नहीं सकता। पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ सुरक्षा बलों और सरकार के साथ खड़ा है। यह जो हमला हुआ है हिंदुस्तान की आत्मा पर हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने यह किया है उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि इस देश को मामूली सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। हमारे देश की नींव प्यार पर रखी गई है। कोई भी ताकत और किसी भी तरह की नफरत या हिंसा इस देश को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज देश के लिए दुख का दिन है। हमारे देश ने 40 जवान को खो दिया है। हमारी सबसे पहली ड्यूटी उन परिवारों उन शहीदों के साथ खड़े होने की है। हम कभी भी आतंकवादियों की इन हरकतों से समझौता नहीं करेंगे। इस वक्त हमारा काम सरकार का विरोध करना नहीं बल्कि उनके साथ खड़ा होना है, सैनिकों के परिवारों के साथ खड़ा होना है। हम वही करेंगे और आतंक के विरोध में एकजुट खड़े रहेंगे। राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारे जवानों और उनके परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ी है। हम राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज का दिन बेहद दुखद है। हमारे देश ने सुरक्षा बलों के 40 जवानों को खोया है। हमारी सबकी पहली ड्यूटी यह है कि हम शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े रहें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।